हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपलता और अनुपलता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों का फेवरेट नाश्ता लेकर आए हैं, प्याज का पराठा। प्याज का पराठा बनाना भी आसान है और यह बहुत झटपट बन भी जाता है और यह बच्चे बड़ों सभी को पसंद आती है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, यह आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बर्तन में 2 कटोरी आटा लेंगे और थोड़ा सा अजवाइन हाथों से रब करके इसे डाल देंगे। यहाँ पर हम एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिए है, 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, हरी धनिया पत्ती कटी हुई और 8-10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। इन सारी चीजों को हम आटे में डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। मिर्च को आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को हम इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटे को मिलाते हुए गूंथ लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसे पराठे बना लेंगे। 10 मिनट हो चुका है, आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इससे पराठे बनाएंगे। गूंथे हुए आटे से हम थोड़ा सा आटा लेंगे लोई बनाने के लिए और इसे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। जब ये अच्छे से गोल हो जाएगा तो हम इसे सूखे आटे में डिप करेंगे और इससे रोटी बेल लेंगे। तो इसी तरह से हम पराठे को घुमा घुमा कर बेल लेंगे और जब लगेगा कि सूखे आटा डालने की जरूरत है तो हम इसमें सूखा आटा थोड़ा सा छिड़क देंगे और उसके बाद इसे बेलेंगे। तो पराठे को हम बेल लिए हैं, इसे ज्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पराठा बेलकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है, हम उस पर पराठे डाल देंगे और थोड़ी ही देर में देखेंगे इसे कि हल्का कलर चेंज हो गया है, हम इसे पलट देंगे। हम नीचे साइड से इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे। पराठा इधर अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें तेल लगाएंगे। तो अब इसमें तेल डाल देंगे और पूरे पराठे में तेल को अच्छी तरह से लगा देंगे। इसे घुमा घुमा कर तेल को अच्छी तरह लगाएंगे। हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो सरसों तेल का भी यूज कर सकते हैं या फिर इसमें घी लगा सकते हैं। जब पूरे पराठे में तेल अच्छी तरह से लग जाएगा तो हम इसे पलट देंगे और इस साइड भी तेल लगा देंगे। तो पूरे पराठे में तेल लगाते हुए इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। किनारों से थोड़ा सा दबा दबा कर हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि यह कहीं से भी कच्चा न रहे और अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। और पराठे को हम दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे।
तो पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रखेंगे और तवे पर दूसरा पराठा भी डाल देंगे। इसी प्रोसेस से हम इसे भी सेक लेंगे। तो इसी प्रोसेस से हम सारे पराठे को सेक कर तैयार कर लेंगे। पराठा बनकर तैयार हो गया है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसे सर्व करेंगे। तो हम यहाँ पर इस पराठे को दही और अचार के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी सर्व कीजिए। और अब डाल देते हैं पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी, जिससे कि पराठे का स्वाद दुगुना हो जाएगा। तो आप भी मेरे इस तरीके से प्याज का पराठा बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।